देश के गृह मंत्री अमित शाह ने 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर तैयार होने का बयान क्या दिया। बिहार में सियासत शुरू हो गई। शाह के बयान पर सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तंज कसा और कहा, हम लोग हे राम वाले हैं और बीजेपी जय श्री राम वाले। यहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी के जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। राम के नाम पर जगदा बाबू को जेडीयू का भी साथ मिला। पार्टी प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि भगवान राम को हम सभी मानते हैं, लेकिन बीजेपी है कि उन पर अकेले अपना हक जताती है। किसी भी नागरिक के पास अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, उसमें आस्था रख सकता है। राम को हम सभी मानते हैं, हमारे श्रद्धेय हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकारण ही उन पर हक जमाने की कोशिश करती है। अमित शाह जी ने राम मंदिर के लोकार्पण की बात कही, अच्छी बात है, पूरा देश उससे हर्षित प्रफुल्लित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जगदानंद सिंह के बयान पर भड़की बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए विपक्ष पर दबाव में राम का नाम लेने का आरोप लगाया। एमएलसी नवल किशोर यादव ने कहा, जो विपक्ष कल तक राम का नाम नहीं लेते थे, वही अब राम राम कर रहे हैं। नहीं, राष्ट्रीय जनता दल के कोई विचारधारा नहीं है। जो जेडीयू के लोग कल तक गाली देते थे, अभी भी नीतीश जी कहते हैं 2005 क्या था, पहले क्या था, अभी भी 2005 के पहले को टेनियर को गाली देते हैं, तो ये लालची और ठग लोगों के जमात है। पता नहीं लालची और ठग लोग कहाँ जाएंगे, ये समय आएगा, पता चलेगा। राम आपके रहेंगे? राम हमारे नहीं, भारत के जनमानस के हैं, वो राम जनमानस में रहेंगे और मैं उनके साथ हूँ। जगदानंद सिंह पर बीजेपी का कटाक्ष आरजेडी को नागवार गुजर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि राम हमारे दिल में बसते हैं। बीजेपी ने राम राज्य का जो सपना दिखाया था, वे अगर समय रहते पूरा नहीं हुआ तो देश में बीजेपी का राम नाम सत्य हो जाएगा। भाई, जय श्री राम से किसको परहेज है। हम लोग तो जय सिया राम बोलने वाले लोग हैं, जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग रामचरितमानस पढ़ने वाले नहीं हैं। भगवान राम का नाम बीजेपी नहीं लेती थी, हम तो आज भी कह रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम बीजेपी को सन्मति दे भगवान की, कम से कम भगवान राम के आचरण को अपने जीवन में उतारें और जो समय बचा है अंतिम समय राम राज ला कर दिखाएं, नहीं तो फिर राम नाम सत्य है, अंतिम विदाई में भी राम का ही नाम होगा 2024 में। दरअसल जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में चुनावी बयार की गति भी तेज होती जा रही है। ऐसे में राम के नाम पर बैकफुट पर रहने वाला महागठबंधन अब बीजेपी को उसकी ही पिच पर चुनौती देने का मन बना रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में रोजगार और महंगाई का मुद्दा कितना चर्चा में रहेगा, ये तो पता नहीं, मगर भगवान राम का नाम सियासी फिजा में गूंजता ही रहेगा। देखो ये दीवानों, ये काम ना करो, राम का नाम यू बदनाम ना करो। जी हाँ, बिहार के सियासतदानों को तो अब राम भक्त यही कह रहे हैं कि जय श्री राम और हे राम के बीच के इस द्वंद में भगवान राम पर बहस जरूरी नहीं है। बात जनमानस की होनी चाहिए, बात भक्ति की होनी चाहिए, बात भावना की होनी चाहिए, मगर बिहार में की सियासी तासीर इतनी गर्म रहती है कि बुद्धा तो भगवान भी बन जाते हैं। बड़ी सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।